फिल्म आई थी चोर मचाए शोर, भ्रष्टाचार का मामला तो जब मिल जाए, जब प्रमाण ईडी को हम मिले हैं, कागज भी मैंने कुछ अब दिए हैं, अब मैं परसों ही गहलोत परिवार के खिलाफ कागज देकर आया हूँ, तो ईडी तो अब चालू होगी, उसमें समय तो लगता ही है। बहुत बड़े नेता आएंगे, एमएलए आएंगे, मंत्री आएंगे, बड़े ब्यूरोक्रेट आएंगे। 5,000 करोड़ का अकेला आईटी सेक्टर का मैंने खुलासा किया है, इतने ही 5,000 करोड़ का और करूँगा आईटी में। बड़ी खुशी की बात है, दौसा जैसा एक जिला मुख्यालय, जो बहुत छोटा जिला मुख्यालय है, जहाँ फुटबॉल प्रेमी बहुत ज़्यादा हैं, और प्रतिवर्ष जो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं या स्टेट के लेवल होते हैं, तो हजारों की भीड़ यहाँ पर आती है, और एक खुशी की बात है, डे नाइट अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल यहाँ पर होगी। और मेरा मन का कुछ संकल्प ऐसा है कि केंद्रीय मंत्री जी से बात करके इसको विशेष बजट दिलाएंगे, ताकि अच्छी स्टेडियम बन सके। सर, राजस्थान में ईडी घुस चुकी है, लगता है कि अब न्याय मिलेगा उन युवाओं को जिनके साथ धोखा हुआ है? जो जिन जिन ने लूटा है, अब उनको तो क्या न्याय मिलेगा बेचारों को, क्योंकि वो तो परीक्षा में रह गए, ऐसे ऐसे थानेदार बन गए जिससे राष्ट्रपति का नाम पूछते हैं, राष्ट्रपति का नाम नहीं बता सकते। आपने देखा होगा मॉक इंटरव्यू में, और तो करीबन 1,12,00,000 बच्चे एप्लीकेंट्स थे, 67,00,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो 67,00,000 बच्चों के साथ राजस्थान की सरकार ने, के कुप्रबंधन ने और भ्रष्टाचार ने उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया। तो आपको जानकारी है, मैंने रीट का आंदोलन किया था, और करीबन 1 साल पहले ईडी को शिकायत की थी। अभी ईडी आ गई है, ईडी चाहे थानेदार का, चाहे आरएस का, चाहे अध्यापक का, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का, कोई भी मामला है या काले धन को सफ़ेद करने का मामला है, सबकी जांच करेगी, ऐसा मेरे को भरोसा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार जब भी जिस स्टेट में चुनाव होता है तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का उपयोग करती है। ना, अब देखो, चोर शोर मचाए तो उसका क्या राज, एक फिल्म आई थी चोर मचाए शोर, भ्रष्टाचार का मामला तो जब मिल जाए, जब प्रमाण ईडी को हम मिले हैं, कागज भी मैंने कुछ अब दिए हैं, अब मैं परसों ही गहलोत परिवार के खिलाफ कागज देकर आया हूँ, तो ईडी तो अब चालू होगी, उसमें समय तो लगता ही है। तो जब भी प्रमाण उनको मिल गए, बिना प्रमाण ईडी घुसती नहीं है, तो प्रमाण जब मिले, जब ईडी चालू होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। कोई बड़े नेता भी इसमें? बहुत बड़े नेता आएंगे, एमएलए आएंगे, मंत्री आएंगे, बड़े ब्यूरोक्रेट आएंगे। 5,000 करोड़ का अकेला आईटी सेक्टर का मैंने खुलासा किया है, इतने ही 5,000 करोड़ का और करूँगा आईटी में, और होटल्स में जिस ढंग से बेनामी संपत्ति लगाई है गहलोत के बेटे, उनके परिवार और रतनकांत शर्मा ने, उसका भी हमने खुलासा किया, आगे और करेंगे। और जो भ्रष्टाचारी हैं वो बेनकाब होने चाहिए, बच्चों को तो बेरोजगार।